नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। पेश है हापुड़ की आज की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं। हापुड़ में पहली बार खरीदें सर्वाइकल और कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए गद्दे एक महीने के फ्री ट्रायल के साथ। कॉल करें 8449620229 पर। जनपद हापुड़ में गुरुवार को भी जारी रहा कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला। जनपद हापुड़ में गुरुवार को कोरोना के 246 मामले सामने आए। कोरोना के मामले हापुड़ के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिले। प्रशासन ने सभी मरीजों को आइसोलेट कर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ईद उल फितर त्योहार के मद्देनजर जनपद हापुड़ 12 सेक्टरों में बटा। जनपद हापुड़ में ईद उल फितर का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले की तीनों तहसीलों को प्रशासन ने 12 सेक्टरों में बांटा है। इन सेक्टरों में प्रशासन ने मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। इसके साथ ही प्रशासन ने स्थानीय निकायों को ईद उल फितर त्योहार पर सफाई, पीने का पानी, बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के आदेश और निर्देश दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस दौरान पुलिस बल तैनात रहेगा। पुलिस ने सामूहिक नमाज न पढ़ने की अपील की। लखवा क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर तेजवीर ने माइक और लाउड स्पीकर के जरिए क्षेत्र में घोषणा की कि कोरोना महामारी को देखते हुए ईद की नमाज घरों में ही पढ़ें और सामूहिक नमाज से बचें। पुलिस ने यह अपील गली गली जाकर लोगों से की है। उद्यमियों ने लगाया पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप। हापुड़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव अमन गुप्ता ने हापुड़ पुलिस पर उद्यमियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री को एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने उद्यमियों का उत्पीड़न बंद नहीं किया तो उद्यमी अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे। व्यापारियों ने पुलिस पर लॉकडाउन में सभी कागज पूरे होने के बावजूद भी वाहनों के चलान काटने का आरोप लगाया है। जनपद में 22 पुलिस कर्मियों के तबादले। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जाधव ने बुधवार रात 22 पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित किया। इस सूची में 2 निरीक्षक, 2 महिला समेत 16 उप निरीक्षक, 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल समेत 22 पुलिसकर्मी शामिल हैं। पिलखुआ में 2 पक्षों में पथराव। जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छिपीवाड़ा में बच्चों के मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है। इस दौरान दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतनी। हापुड़ की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए हापुड़ न्यूज।